बच्चों, वेलकम टू सीयूईटी पेपर्स। मैं सुखदा त्रिवेदी आज आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ सीयूईटी बायोलॉजी 2023 का पेपर। ओके, तो इसे हम सॉल्व करेंगे साथ में और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस भी करेंगे। तो कॉपी पेन साथ में रखिए, नोट करते चलिएगा। अगर आप सीयूईटी और एनसीईटी इन दोनों में से किसी भी एग्जाम या दोनों एग्जाम 2024 में टारगेट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सीयूईटी बायोलॉजी टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट के बहुत सारे वीडियोस एंड लाइव प्रिपरेशन हम यहां पर करने वाले हैं, तो जरूर जुड़े। और हाँ, अगर वीडियो देखने के बाद लगता है कि कुछ सीखा, कुछ नॉलेज बढ़ा, तो वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, बट आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। चलिए, तो सबसे पहली चीज है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज कलर ऑफ द पेन, सिलेक्ट द ऑर्गेनिज्म विच डज नॉट अंडरगो पार्थेनोजेनेसिस। अब ये पार्थेनोजेनेसिस है क्या, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देखेंगे, राइट? तो पार्थेनोजेनेसिस क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एन एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, मीन्स एक एग विदाउट फर्टिलाइजेशन एक इंडिविजुअल में अगर डेवलप हो गया है तो वो क्या कहलाता है? पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। तो चलिए सही ऑप्शन इसमें से चूज करते हैं, हनी बी, रोटिफायर एंड टर्की एंड फ्रूट फ्लाई। तो इनमें से कौन सा डज नॉट अंडरगो पार्थेनोजेनेसिस, मतलब कि विदाउट फर्टिलाइजेशन वो इंडिविजुअल नहीं बनता है, है ना? तो दैट इज अ फ्रूट फ्लाई, इट गोस, इसका जो एग है वो प्रॉपरली फर्टिलाइज होता है, फिर जो है इंडिविजुअल बनता है, ठीक है। और पार्थेनोजेनेसिस के बारे में आप क्या लिख सकते हैं? डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड। टिश्यू कल्चर के बारे में हम लोग जानते हैं, जहाँ पर कुछ टिश्यू से हम लोग एक कंप्लीट प्लांट को डेवलप करते हैं अंडर द कंट्रोल्ड एंड आर्टिफिशियल सिचुएशन, ठीक है। उसका दूसरा नाम क्या है, आपसे बस ये पूछा जा रहा है, तो दैट इज अ माइक्रो प्रोपोगेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, सो लेट मी जूम इन, राइट, आई थिंक नाउ इट्स विजिबल। चलिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग डीकम्पोजिशन। तो करेक्ट स्टेटमेंट निकालने से पहले ये देख लेते हैं डीकम्पोजिशन है क्या। डीकम्पोजिशन है कॉम्प्लेक्स, जब हम कॉम्प्लेक्स मटेरियल को, है ना, ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट होते करते हैं, दैट इज नोन एज दी डीकम्पोजिशन। अब इसके लिए सबसे पहले, डीकम्पोजिशन के लिए सबसे पहली चीज जरूरी क्या है? ऑक्सीजन। तो डीकम्पोजिशन इज लार्जली ऑक्सीजन रिक्वायर्ड प्रोसेस, सो एब्सोल्युटली राइट, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। द रेट ऑफ डीकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय केमिकल कम्पोजिशन ऑफ डिट्राइटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर, डिट्राइटस मीन डेड मटेरियल। तो ये भी बिल्कुल सही है। डीकम्पोजिशन का रेट किस पर डिपेंड करता है? कि जो डिट्राइटस और क्लाइमेटिक फैक्टर है, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, इन सब पर डीकम्पोजिशन का रेट डिपेंड करता है, प्लस जो डेड मटेरियल है वो किस तरह के हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर पूछा है ड्राई एंड कोल्ड एनवायरमेंट फेवर द डीकम्पोजिशन, तो इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर थोड़ा हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरमेंट होता है तो डीकम्पोजिशन जल्दी होता है। इफ डिट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, अगर डीकम्पोजिशन रेट इज फास्टर, तो ये भी बिल्कुल गलत है। लिग्निन एंड काइटिन अगर कम होगा तो फिर जो है डीकम्पोजिशन जल्दी होता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं लिग्निन एंड काइटिन। ओके, तो सिर्फ दो सही हैं, तो ए एंड बी इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, द सीयूईटी बायोलॉजी के लिए, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म विच इज अ सोर्स ऑफ अ सिंगल सेल प्रोटीन इज ग्रोन ऑन कमर्शियल स्केल। ओके, तो कमर्शियल स्केल पर इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल प्रोटीन देता है? सो दैट इज अ स्पाइरुलिना, नाम याद रखना है आपको, स्पाइरुलिना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ओके चलिए तो मैच करते हैं हम लोग लिस्ट वन को लिस्ट टू से। यहाँ पर कुछ प्लांट्स दिए गए हैं, उनके सीड कैसे होते हैं बाय नेचर वो हमसे पूछा गया है। वीट जो है वो वीट का जो सीड है बहुत कॉमन हमें पता है, एल्ब्यूमिनस सीड होता है, सीडो ट्रिप्लॉइड होता है ये, है ना। क्यों कहते हैं हम इसे सीडो ट्रिप्लॉइड, क्योंकि ट्रिपल फ्यूजन से ये बनता है। फिर एक बहुत कॉमन यहाँ पर है जैसे कि कैश्यू जो है, कैश्यू जो है फॉल्स फ्रूट होता है। तो मेजोरिटी जितने भी फ्रूट हम खाते हैं, एप्पल हुआ, पाइन एप्पल हुआ, पियर हुआ, ये फॉल्स फ्रूट है। फॉल्स फ्रूट क्यों कहते हैं इनको, बिकॉज देखो फ्रूट का जो फ्लैश पार्ट होता है हमें पता है किससे बनता है, ओवरी से बनता है, बट ये जो फॉल्स फ्रूट होते हैं इनके जो फ्लैश पार्ट होता है वो ओवरी से ना बन करके एडजेसेंट टिश्यू से बनता है, इसलिए भी फॉल्स फ्रूट होते हैं। फिर बात आती है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन करेक्ट सीक्वेंस। ओके तो जायगोट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसमें हमें करेक्ट सीक्वेंसी यहाँ पर देनी है। तो सबसे पहले क्या बनता है, जायगोट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, पहले तो जायगोट ही बनता है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मोरूला होता है। तो फर्स्ट ये सेकेंड, देन मोरूला बनने के बाद क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट बनता है थर्ड, और फोर्थ नंबर पर से क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन। ओके तो यही होगी करेक्ट सिक्वेंस, ए डी बी ई सॉरी ए डी बी सी दैट इज बैक्टीरिया सेल एज अ कॉम्पिटेंट सेल टू टेक अप डीएनए, है ना। तो बैक्टीरिया सेल को कॉम्पिटेंट सेल कैसे बनाया जाता है, कुछ आयंस उसमें एड करके, है ना। कॉम्पिटेंट सेल मतलब कि वो डीएनए ले सके। ओके कौन से, डाइवेलेंट के लिए किसकी जरूरत होती है, डायवेलेंट आयन की जरूरत होती है। अब आप इसमें से देखिए डायवेलेंट में तो कैल्शियम भी आता है, बट डायवेलेंट होने के साथ साथ वो कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी द कैटायन, ठीक है। कैटायन मतलब कि प्लस या माइनस, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए प्लस या माइनस, राइट। तो कैटायन क्या होते हैं हमें पता है ना, केमिस्ट्री पढ़ा, Ca2+, तो डायवेलेंट भी है दो, है ना, और कैट आयन भी है क्योंकि प्लस, सो प्लस चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज आयन्स इज नोन एज द कैट आयन, ठीक है। तो एक्चुअली में ये क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल के अंदर डीएनए की एंट्री को आसान करवा देते हैं, मतलब कि उसे कॉम्पिटेंट सेल बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन। तो यहाँ पर मैं अभी आपको सही ऑप्शन बता देती हूँ, दैट इज आंसर नंबर ऑप्शन नंबर वन, उसको हम डिटेल में समझेंगे अपने पॉपुलेशन वाला जो पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि इतनी इजीली यहाँ पर ये समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपके साथ इसके लिए आपके लिए पूरा वीडियो लेकर के आऊंगी। द ग्रीक थिंकर्स थॉट दैट यूनिट्स ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स वेयर ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट इंक्लूडिंग अर्थ, आइडेंटिफाई द टर्म एसोसिएटेड द अबव। तो क्या कह रहे हैं कि ग्रीक थिंकर्स को लगता है यूनिट्स ऑफ लाइफ जिनको स्पोर कहते हैं वो अलग अलग प्लैनेट्स पर भेजे गए, अर्थ अर्थ भी उनमें से एक प्लैनेट था, तो उस टर्म को वो क्या कहते थे, उस टर्म को वो क्या कहते थे, सो दैट इज नोन एज द पैनस्पर्मिया, है ना। तो मानना ये था उनका कि कुछ स्पोर जैसी चीज है जो हर एक प्लैनेट पर भेजी गई, वहां पर लाइफ जनरेट हुई, उस टर्म उस चीज को वो क्या कहते थे, स्पोर को वो क्या कहते थे, पैनस्पर्मिया, राइट। नेक्स्ट इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड। जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है उसमें जो सेपरेटेड डीएनए है वो आप कैसे विजुअलाइज, कैसे देख पाते हैं, तो ये एक ऑब्वियस बात है केमिकल रिलेटेड इक्वेशन है। यहाँ पर हमें एक डाई या कहते हैं स्टेन का यूज करना पड़ता है टू विजुअलाइज, राइट। सो इन यूवी रेडिएशन आफ्टर स्कैनिंग द इथिडियम ब्रोमाइड वी कैन विजुअलाइज द सेपरेटेड डीएनए, ओके याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यस दैट इज फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले पार्ट से है, अलग अलग मेथड दी गई है बर्थ कंट्रोल की और आपको मैच करना है, क्यूबिक टॉमी और वेसिक टॉमी, टेंथ का तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था,
ट्यूब की बात करें तो यहाँ पर ये रिफर करता है फेलोपियन ट्यूब को। किसको रिफर करता है? फेलोपियन ट्यूब को। फेलोपियन ट्यूब किसमें होती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो ट्यूबेक्टोमी की जाती है, इट्स अ सर्जिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल। ये फीमेल्स की मेथड है। वही वेसिक्टोमी सर्जिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन मेल। तो ए गया 3 के साथ और डी गया किसके साथ? 2 के साथ। तो ये दो ऑप्शन तो गए 3 और 4, है ना। अब कॉपर आयंस, कॉपर आयंस क्या करते हैं? एक्चुअली जो आईयूसीडी होते हैं ना, इंट्रायूटराइन डिवाइसेस, ठीक है, जिसमें से एक कॉपर टीवी है, राइट। तो कॉपर टी क्या करती है? ये जो स्पर्म की मोबिलिटी है, उनकी मूवमेंट की कैपेसिटी को सप्रेस कर देती है। क्या कर देती है? सप्रेस कर देती है। तो बी जाएगा किसके साथ? 4th के साथ। देखिए बी 4th, ये फर्स्ट ऑप्शन हमें मिल गया है। सर्विकल सर्वाइकल कैप्स जो होती हैं, दैट इज अ बैरियर मेथड यूज बाय फीमेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैमल्स आर एबल टू सर्वाइव इन अंटार्कटिका और इन द सहारा डेजर्ट एस दे आर रेगुलेटिव्स। क्या है वो? रेगुलेटिव। रेगुलेटर्स क्यों है? रेगुलेटर्स इसलिए है बिकॉज मैमल्स कैन मेंटेन द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। क्या मेंटेन कर पाते हैं? कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, राइट। इसलिए क्या कहा जाता है? वी कैन रेगुलेट रेगुलेटर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, राइट। सो आई होप यू ऑल आर एबल टू सी द क्वेश्चन। यस, तो यहाँ पर हमें जेनेटिक डिसीजेस दी गई है और उनका रीजन दिया हुआ है, सो वी हैव टू मैच इट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13। ओके, यस, सो डाउन सिंड्रोम, थैलेसीमिया एंड क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर्स सिंड्रोम। इसमें से सबसे पहले मैं जो डिकोड कर पा रही हूँ, दैट इज अ थैलेसीमिया, दैट इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कौन से ऑप्शन चले जाते हैं मेरे पास? 3 और 4 चले गए, बचे सिर्फ 1 और 2, क्योंकि इसमें दोनों में ही बी को सेकंड के साथ रिलेट किया गया है, जो कि सही भी है ना। फिर हम बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की। सो जो डाउन सिंड्रोम होते हैं, दैट इज राइट 45+XY and XX। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम की अगर हम बात करें, दैट इज 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, दैट इज 44+XXY क्रोमोसोम। देन देखिए जरा कहीं हमारा मैच हो रहा है कि सी गया 1 के साथ, हाँ, तो फिर बात आ जाती है ऑप्शन नंबर 2 पर। टर्नर सिंड्रोम क्या है? टर्नर सिंड्रोम इज 44+X0। ये एक्स जीरो का क्या मीनिंग हो जाता है यहाँ पर? एक्स जीरो से मीनिंग कि यहाँ पर एक क्रोमोसोम गायब है। अब ध्यान देने वाली बात ये है, एक्स जीरो मतलब कि ये या तो कम्प्लीटली मिसिंग है नेक्स्ट क्रोमोसोम, या पार्शियली मिसिंग है। टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो बेसिकली फीमेल्स में होती है, इट अफेक्ट द फीमेल्स, राइट। तो ये हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 14, ड्रग्स को हमें मैच करना है फ्रॉम द प्लांट्स वी ऑब्टेन इट। सो वेरी फर्स्टली अगर इन ऑप्शंस को देखा जाए तो डी पर दिया है निकोटीन, एंड वी नो दैट निकोटीन जो है टोबैको प्लांट से मिलता है, और एक ही क्लू में वी कैन डिकोड इट दैट आंसर इज गोइंग टू बी द 4th वन, राइट। बट लेट्स सी, हेरोइन की बात करें, सो पेपिवर सोमनीफेरम, है ना, कैनाबिनॉइड्स दैट वी गेट फ्रॉम द कैनाबिस सैटिवा, एंड कोकीन वी गेट फ्रॉम द इराइथ्रोक्सीबम कोका। ओके, दीज आर लाइक अ टर्म डिस्कस। ओके, मेथनोजेंस डू नॉट प्रोड्यूस। मेथनोजेंस, मेथनोजेंस कौन होते हैं? दीज आर द बैक्टीरिया, राइट। मेथनोजेंस आर व्हाट? मेथनोजेंस आर द बैक्टीरिया, और वी कैन से द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस मीथेन। बट मीथेन के साथ ये और भी गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, कौन सी नहीं करते ये हमें बताना है। तो मेथनोजेंस प्रोड्यूस करते हैं मीथेन, हाइड्रोजन, ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम देखें तो ये 3 चीजें ये प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शंस की तरफ जाएं तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो ऑप्शन, ये जो दो गैसेस हैं ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बाकी तीनों ऑप्शंस कॉम्बिनेशन में हमें दिए हुए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, एंड आई होप कि ये आप देख पा रहे होंगे इजीली। यस, आई थिंक
Yes, it's clearly visible. Yes. So the correct sequence of a step involving polymerase chains reaction. So जो PCR किया जाता है उसमें correct sequencing क्या है आपको ये बताना है. Okay, so सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले हम desired DNA लेते हैं और उसको denatured करते हैं, right? तो इसके according सबसे सही first option क्या हो जाएगा यहाँ पर, option number B सबसे पहली step होगी one, है ना. उसके बाद क्या किया जाता है, then oligonucleotides are added, that is two. देखिए यहीं पर हमारा आंसर तो डिकोड हो गया that option number 4 is going to be the right one, but let's discuss the steps. पे oligonucleotides add करते हैं, then third DNA polymerase is used to extend the primers using oligonucleotide, and the fourth one amplified fragments are ligated with a vector for cloning. So option number 4 is going to be the right. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आई होप आप ऑप्शंस देख पा रहे हैं, थोड़ा सा फिल्ड हो जाती हूँ. ओके, यस, दैट इज ओके. सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. ओके, सो स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स है. स्पर्मेटोगोनिया ऑलवेज अंडरगो माइटोटिक्स एंड डिवीजन. एब्सोल्युटली रॉन्ग. Primary spermatocytes divide by mitotic cell division. Absolutely wrong. Secondary spermatocytes have 23 chromosomes and undergo second mitotic division, and spermatozoa transform into the spermatids. D bhi galat hai. Sahi option kya hoga? C. Only C is the right one. Aisa kyun hai ki C bilkul right hai? क्योंकि स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन जो है दो माइटोटिक डिवीजन के बाद होता है, राइट. अब ये पूरी प्रोसेस क्या है, स्पर्मेटोगोनिया ये क्या है, डिप्लॉइड सेल्स है जो हमें कहाँ मिलती है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में मिलती है, एंड दे मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन. तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन सॉल्व दिस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द मैनुअल रिसाइकलिंग ऑफ द ईवेस्ट. तो मैनुअल रिसाइकलिंग के थ्रू हम लोग जो है मर्क्यूरी को रिकवर नहीं कर सकते हैं, बाकी सभी मेटल्स को मैनुअली रिसाइकलिंग करके रिकवर कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटी कॉटन सॉरी बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय बैसिलस थिरोजिनेसिस इज रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट, है ना. इंसेक्ट के अगेंस्ट जो है ये वर्क करता है. In some of the organism, male has ZZ chromosome and female has ZW chromosome. देखिए उल्टा है, homozygous situation जो दिखा रहा है वो किसके लिए, male के लिए दिखा रहा है, और heterozygous जो है female के लिए दिखा रहा है, जबकि humans में उल्टा होता है. तो ये किस तरह के organism से related है, that is related to head, उनमें opposite होता है. Then the organization set up by the Indian government to take decision regarding the validity of GM research and सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. जीएम मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है जो जेनेटिक्स रिसर्च के ऊपर ध्यान देती है और सेफ्टी पर ध्यान देती है, दैट इज अ जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, GEAC. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग IUD. उनमें से हार्मोन रिलीजिंग IUD कौन सी है, दैट इज अ LNG20. ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आपको याद रखना होगा. देन द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ. तो जो केक बनाया जाता है ना, उसका एग्जांपल ले लेते हैं हम. तो हम देखते हैं कि केक का जो डो होता है वो थोड़े समय बाद जब हम बेक करते हैं तो पफ्ड ऊपर लिफ्ट हो जाता है. ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस, क्योंकि जब वो गैस रिलीज होती है दैट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 24, ये कैंसर के ऊपर है. कुछ स्टेटमेंट है उसमें से हमें बताना है डू नॉट होल्ड ट्रूथ, कौन से सही नहीं है. ओके, सो कैंसरस सेल शो अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, जो कि बिल्कुल गलत है. कॉन्टेक्ट इनहिबिशन होने पर इनकी ग्रोथ रुक जाती है, बल्कि और कैंसरस सेल्स कैसी होती है, उनमें कंटिन्यूस ग्रोथ होती रहती है. तो वो अपनी कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की जो प्रॉपर्टी है वो लॉस्ट कर चुकी होती है, ठीक है. तो वो ये प्रॉपर्टी शो नहीं करती है, तो ये तो नहीं है, है ना. तो ए तो हमारे आंसर में आने ही वाला है. मेटास्टेसिस इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमरस
ट्यूमर्स, बिल्कुल सही बात है। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स सेल इनवेड एंड डैमेज द सराउंडिंग टिश्यू, ये भी बिल्कुल सही है। मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल्स ग्रो स्लोली, ये बिल्कुल गलत है। देखिए एक चीज आपको यहाँ समझनी होगी कि ट्यूमर्स के टाइप कैसे होते हैं। एक तो एक ट्यूमर होता है मैलिग्नेंट, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कैंसरस ट्यूमर कहते हैं। ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है। दूसरा, ये एक जगह से दूसरी जगह जाकर के ट्रैवल करके दूसरी सेल्स को भी इन्फेक्ट करती है, वहां पर ट्यूमर ग्रो करती है। तो एक कैटेगरी होती है यही मैलिग्नेंट ट्यूमर की, और दूसरा जो ट्यूमर होता है वो होता है बेनिग्न, ठीक है, दैट इज BENIGN, बेनिग्न ट्यूमर, जो कि नॉर्मल होते हैं, किसी एक बॉडी के एक पार्ट में हो जाएंगे, तो ये ट्रैवल नहीं करेंगे, ना ही ये कैंसरस नेचर के होते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाकर के फिर वहां प्रोलिफरेट करें। तो यहाँ पर देखिए हमें पूछा गया था नॉट होल्ड ट्रू, तो कौन से सही नहीं है, ए एंड बी, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही आंसर होगा। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, दैट इज पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कौन सी इक्वेशन है? इस इक्वेशन को हम कहते हैं हेडी विनबर्ग इक्वेशन, जो कि एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है, एंड हमें पता है दैट इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच्योर mRNA इज फुल्ली प्रोसेस्ड, जब मैच्योर mRNA बनता है तो वो किसकी फुल प्रोसेसिंग से बनता है? इन सभी टाइप के RNA में से, hnRNA, snRNA, 28sRNA या 5sRNA। ऑब्वियसली बात है hnRNA जब फुल्ली प्रोसेस्ड हो जाता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू द mRNA। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, विच फॉरेस्ट आल्सो नोन एज द लंग्स ऑफ प्लैनेट अर्थ। तो सबसे डेंस फॉरेस्ट जो है ऑब्वियसली बात है उन्हें लंग्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना करके रखते हैं, जैसे कि हमारे लंग्स बना करके रखते हैं, दैट इज अमेजोन रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनब्रीडिंग इज कैरिड आउट इन एनिमल हस्बेंड्री बिकॉज, इनब्रीडिंग इज कैरिड आउट इन एनिमल हस्बेंड्री, इनब्रीडिंग क्यों की जाती है एनिमल हस्बेंड्री में? बिकॉज दे वॉन्ट टू इंक्रीज होमोजाइगोसिटी, क्या इंक्रीज करना चाहते हैं? होमोजाइगोसिटी। अब आप सोच रहे होंगे ये इनब्रीडिंग क्या है, ये होमोजाइगोसिटी क्या है, तो नोट कीजिएगा, इनब्रीडिंग क्या है, जब एक ही ब्रीड के इंडिविजुअल्स को, वेरी क्लोज इंडिविजुअल को हम मेट करवाते हैं, है ना, ब्रीडिंग बिटवीन द क्लोज इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इनब्रीडिंग कहते हैं। इनब्रीडिंग क्या इंक्रीज करता है? होमोजाइगोसिटी। ये होमोजाइगोसिटी से क्या होता है? ये प्योर लाइन एनिमल्स हमें देते हैं, प्योर लाइन एनिमल्स हमें होमोजाइगोसिटी से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोन एज द टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का टेरर किसे कहा जाता है? वॉटर लिली, हाइड्रीला, वॉटर हेसेंथ या लैंटाना। तो वाटर हेसेंथ जो है उसे टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। एक्चुअली में ये एक एग्जॉटिक श्रब है जो बहुत तेजी से ग्रो करती है, पूरे पॉन्ड को जो है ये कवर कर लेती है ग्रीन कलर की, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट कलर देने की कोशिश करती हूँ इस तरीके से, तो पूरा पॉन्ड जो है वो कवर हो जाता है इससे, एंड दैट इज वाई वहां पर क्या होता है, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए लाइट और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, दैट्स वाई वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। वाटर हाइसिंथ को क्या कहा जाता है? टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। क्या है ये? एक्जोटिक श्रब है जो बहुत तेजी से पॉन्ड्स में, लेक पर ग्रो करती है। नेक्स्ट है दी थ्रेटन्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग्स प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर। तो वो प्रोसीजर जिसमें थ्रेटन एनिमल या प्लांट को हम उनके नेचुरल हैबिटेट, उनके ओरिजिन प्लेस से हटा करके स्पेशल प्लेस पर प्लेस करते हैं जहाँ पर उनकी टेक केयर की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? इनसीटू कंजर्वेशन कहा जाता है, एक्सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है, कंजर्वेशन इन नेशनल पार्क कहा जाता है, या कंजर्वेशन इन बायोस्फीयर कहा जाता है। तो जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिस्प्लेस करते हैं उसकी नेचुरल हैबिटेट से और फिर उसकी टेक केयर करते हैं, तो उसके लिए जो ब्रॉडर टर्म यूज की जाती है दैट इज अ एक्सीटू कंजर्वेशन, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो डोमिनेंट रेट ऑफ कोड कलर इन गार्डन पी, तो हमने जब मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं हमने पता है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है पॉट का कलर, कौन सा कलर डोमिनेंट होता है, दैट इज अ ग्रीन. तो ए जाएगा फिफ्थ के साथ. देन द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन ऑन अ क्रोमोसोम, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन, टू जीन्स जब लिंक होते हैं दैट इज कॉल्ड द लिंकेज, ये जाएगा फोर्थ के साथ. द ट्रेट जनरली कंट्रोल्ड बाय द थ्री और मोर जीन, जब कोई एक ट्रेट तीन या तीन से ज्यादा जीन्स उसे कंट्रोल कर रहे होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीजेनेटिक ट्रेट कहते हैं, क्योंकि वो ज्यादा जीन्स उसे कंट्रोल कर रहे होते हैं. When a single gene exhibit multiple phenotypic expression, एक ही जीन है बट वो अलग अलग एक्सप्रेशन के लिए responsible है, physical expression के लिए जो visible है ना, तो उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं paleotropy, that is second. तो अगर इस हिसाब से हम options के साथ जाएं तो option number 4 जो है हमारा सही होगा, A to 5, B to 4, C to 1. Okay, मैंने repeat कर दिया है, that sorry. आपको पूरी प्रोसेस पता होनी चाहिए. चलिए इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं. तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, जब भी फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है सबसे पहली चीज उसमें होती है मियोसिस इन मेगास्पोर मदर सेल एंड फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर टेट्रा, सबसे पहली चीज होगी. उसके बाद यहाँ पर फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है इट अंडरगोस थ्री माइटोटिक डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एट न्यूक्लियाई, एट न्यूक्लियाई बनती है माइटोटिक डिवीजन से. देन सेल वॉल्स आर लेड डाउन दैट इज थर्ड, और फाइनली फॉर्मेशन ऑफ सेवन सेल्स एंड एट न्यूक्लियाई, तो ये हो जाएगा फोर्थ. देन हम कह सकते हैं सी डी ए बी, यस दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री. नेक्स्ट पार्ट, इन विच प्रोसेस अनयूजुअल न्यूक्लियाइड मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, देखिए ये हो सकता है कि मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग हो, राइट, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल. इज एडेड टू द फिफ्थ एंड ऑफ एच एन आर एन ए, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें जो अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड जिसे हम मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं वो फिफ्थ फाइव डैश एंड ऑफ एच एन आर एन ए पर जोड़ दिया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कैपिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, कैपिंग कहते हैं, राइट. नेक्स्ट, द सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो, तो ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं दैट इज ये इन्वायरमेंटल वाला जो पार्ट है उस यूनिट का क्वेश्चन है ना, जो कि जनरल अवेयरनेस का भी पार्ट है, आपको पता होना चाहिए. तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये हमें यहाँ पर बताना है. जस्ट सेकेंड, आई थिंक थोड़ा सा मेरा वीडियो इसके साथ कवर हो रहा होगा, लेट मी चेंज दिस, राइट. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ग्रीन हाउस गैसेस, तो ये तो बिल्कुल सही है. द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद द कंट्रोल ऑफ इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड है. देन है यूज ऑफ इंसिनरेटर्स इज नॉट क्रूशियल टू डिस्पोज ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट, ये एक गलत स्टेटमेंट है क्योंकि हॉस्पिटल के जितने भी वेस्ट होते हैं जिन्हें हम बायोमेडिकल वेस्ट भी कहते हैं उनका यूज करने के लिए हम इंसिनरेटर्स ही यूज करते हैं. डॉब्सन यूनिट इज यूज टू मेजर वाटर क्वालिटी, ये भी एक गलत स्टेटमेंट है क्योंकि डॉब्सन यूनिट जो है ये ओजोन लेयर की थिकनेस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है ना, तो ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो डॉब्सन यूनिट में मेजर की जाती है. तो सी एंड डी जो है ये सही ऑप्शन होगा, क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है यहाँ पर. नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं बायो फर्टिलाइजर्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट इनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है. तो बायो फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज नहीं होता है,
तो देखिए हर वो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल की फर्टिलिटी के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए यूज होता है वो है क्या, बायो फर्टिलाइजर्स वो कहलाते हैं। उसमें बैक्टीरियाज भी आते हैं, कई फंगीज भी आते हैं, साइनोबैक्टीरियाज भी आते हैं, बट आता क्या नहीं है, बैक्टीरिया वायरस जो है दैट इज नॉट कम इनटू द कैटेगरी ऑफ बायो फर्टिलाइजर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बैक्टीरिया वायरस, नॉट अ सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर, ये पूछा गया आपसे। राइट, ना नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमें, अच्छा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मैन है उसको कंपैरिजन करना है, उसको मैच करना है उनकी डेफिनेशन से। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। प्राइमेट विथ ब्रेन कैपेसिटी ऑफ अराउंड 900 cc, ओके, द प्राइमेट विद द ब्रेन कैपेसिटी ऑफ 1400 cc एंड लिव्ड इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, ओके, देन द प्राइमेट विच अरोज द अफ्रीका एंड मूव्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट एंड डेवलप इन टू द डिस्टिंक्ट रेसेस, दैट इज होमो सेपियंस। तो मैं क्या करती हूँ ना, सबसे पहले जो मुझे पता होता है उसी को मैच कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरे दो ऑप्शन तो कट हो गए, क्योंकि ये बिल्कुल सही ऑप्शन मैंने चूज किया है, मतलब सही मैच किया है कि प्राइमेट्स जो अफ्रीका में अरोज हुए, बड़े हुए और फिर डिफरेंट कॉन्टिनेंट में वो मूव किए, वो होमो सेपियंस, ये हमें पता है ना। कुछ फैक्ट होते हैं किसी भी क्वेश्चन में जिस पर हम बिल्कुल 100% श्योर होते हैं, तो ये वही फैक्ट था। तो इसके साथ ऑप्शन नंबर 1 और 4 तो चला गया, क्योंकि सी थर्ड के साथ ही जाएगा। फिर है द प्राइमेट विथ ब्रेन कैपेसिटी बिटवीन 650 to 800 cc एंड प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, वो कौन से प्राइमेट्स थे जो जिनकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी 650 से लेकर के 800 cc और वो मीट नहीं खाते थे। तो ये भी मुझे पता है, दैट इज अ होमो हैबिलिस, ठीक है, होमो हैबिलिस जो थे वो माना जाता है कि वो मीट नहीं खाते थे। तो देखिए दो ऑप्शन हो गए, पर ये देखिए दोनों ही साथ में जा रहा है, क्योंकि बहुत कॉमन फैक्ट है ये। अब बात करते हैं द प्राइमेट विद द ब्रेन कैपेसिटी ऑफ 900 cc, तो ये जो है होमो इरेक्टस माने जाते हैं, तो 900 cc ब्रेन कैपेसिटी के होते हैं। देन हमारे पास ऑप्शन क्या निकल करके आ गया, ऑप्शन बी, मतलब कि सेकेंड नंबर का ऑप्शन, और बी का क्या होगा, द प्राइमेट विद द ब्रेन कैपेसिटी ऑफ 1400 cc एंड लिव इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, दैट इज अ नियरथल मैन, ठीक है, नेंडरथल मैन, सॉरी नेंडरथल मैन। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइडेंटिफाई द जीन विच इज इफेक्टिव अगेंस्ट द कॉर्न बोर, कॉर्न बोर के अगेंस्ट कौन सा जीन इफेक्टिव है, सो दैट इज अ क्राइम एबी जीन है जो कि कॉर्न बोर के अगेंस्ट में इफेक्टिव माना जाता है। तो ये कॉर्न बोरर करते क्या है, एक्चुअली कॉर्न में ये बोर कर देते, मतलब कि छेद कर देते हैं, और इससे डिफरेंट डिफरेंट इन्फेक्शन और अराइज हो जाते हैं, जो रोडेंट होते हैं उन्हें और इजी हो जाता है ये सब चीजें खाने के लिए। तो ये एक जीन है जो कॉर्न बोरर्स को प्रिवेंट करता है, उन्हें बोर करने से रोकता है, ये जेनेटिक लेवल पर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट, सो आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू, सही नहीं है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के अगेंस्ट। तो ओनली प्यूरीन बेस आर प्रेजेंट इन डीएनए, ऐसा है क्या, नहीं, सिर्फ प्यूरीन बेस तो नहीं होते हैं, है ना। फिर तो ये गलत हो गया यहाँ पर, ऑप्शन मतलब कि ए जो है गलत है, डीऑक्सी राइबोस शुगर इज प्रेजेंट, यस दिस शुगर इज प्रेजेंट, नाइट्रोजिनस बेस इज लिंक्ड टू 1C pentose शुगर थ्रू एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, क्या ये सही ऑप्शन है, बिल्कुल ये सही है। फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक टू OH ऑफ फोर्थ कार्बन ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए और डी जो है वो ए और डी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही होगा, ये दोनों स्टेटमेंट डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के लिए ट्रू नहीं है। राइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, आई थिंक हमने ये स्किप कर दिया था। तो सेसेशन ऑकरिंग आफ्टर फ्लड इज,
फ्लड के बाद जो सचेशन फिर से जो लाइफ जनरेट होना स्टार्ट होती है किसी प्लेस पर, वो किस कैटेगरी में आती है? फ्लड के बाद की बात हो रही है, तो पहले से वहां पर लाइफ तो जनरेटेड थी बट फ्लड के कारण वो डिस्ट्रॉय हो गई, तो पहले से लाइफ थी और फिर अब लाइफ जनरेट हो रही है वहां पर, तो ये किस तरह का सचेशन होगा? हाइड्रल सचेशन होगा, प्राइमरी सचेशन होगा, या फिर ये सेकेंडरी सचेशन होगा, या मिजाज सचेशन होगा? तो ये होगा सेकेंडरी सचेशन। पहले से अगर लाइफ है किसी कारण डिस्ट्रॉय हो गई है और फिर वहां पर लाइफ जनरेट हो रही है, तो दैट इज अ सेकेंडरी सचेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें डिजीजेस दी गई हैं और उनके कॉजिंग एजेंट दिए गए हैं, वो हमें यहाँ पर मैच करना है। सो साल्मोनेला फी, दैट इज साल्मोनेला फी इज रिलेटेड टू टाइफॉइड, ये तो हमें पता है, 10th से हम पढ़ते आ रहे हैं। रेमो वायरस किससे रिलेटेड है? दैट इज रिलेटेड टू कॉमन कोल्ड। देखिए कॉमन कोल्ड से रिलेटेड तो वायरस बहुत बहुत सारे हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, नाम से ही समझ में आ रहा है निमोनिया की बात हो रही है। प्लाज्मोडियम विवेक्स, दैट इज रिलेटेड टू मलेरिया, राइट? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन नंबर 3, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कोलेस्ट्रॉल सिक्रीटेड बाय मदर ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ लैक्टेशन प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी एज इट इज रिच इन। तो कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली क्या है? दैट इज अ येलो कलर थिक मिल्क, येलो कलर का थिक मिल्क जो एक मदर बच्चे को बर्थ देने के बाद रिलीज करती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल। और ये किसमें एक्चुअली, ये जो मिल्क होता है बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितनी भी प्राइम जो एक इम्यूनिटी मिलती है बच्चे को, ठीक है, हालांकि मदर से जो इम्यूनिटी बच्चे को मिल रही होती है वो सेकेंडरी इम्यूनिटी होती है क्योंकि वो उसकी खुद की नहीं है। तो इसमें कैसे दे पाता है ये इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड कर पाता है? क्योंकि इस कोलेस्ट्रॉल में कौन सा एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है? IgA एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव इम्यूनाइजेशन, इनमें से कौन सा इम्यूनाइजेशन पैसिव इम्यूनाइजेशन की कैटेगरी में आता है, ये हमें बताना है यहाँ पर। तो देखिए कौन सा पैसिव इम्यूनाइजेशन है इनमें से, तो सही ऑप्शन ढूंढने के लिए हमें क्या बताना चाहिए? पैसिव इम्यूनाइजेशन है क्या? तो देखिए एक तो तरीका यह है कि हमारी बॉडी किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, तो वो क्या हो गया? प्राइमरी और एक्टिव इम्यूनाइजेशन हो गया, ठीक। अब पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या है कि पहले से हमने एंटीबॉडीज तैयार कर रखी है और फिर हम एक पर्सन में डायरेक्टली एंटीबॉडीज इंजेक्ट कर रहे हैं, दैट इज अ पैसिव इम्यूनाइजेशन। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें से? इंजेक्टिंग प्री फॉर्म एंटीबॉडीज, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इम्यूनिटी प्रोवाइडेड टू द फीटस फ्रॉम द मदर थ्रू प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज, अभी हमने बात की थी इसमें कि अगर मदर से प्लेसेंटा के थ्रू अगर बेबी को इम्यूनिटी मिल रही है तो वो किस तरह की इम्यूनिटी है? दैट इज अ पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि वो बेबी की खुद की इम्यूनिटी नहीं है, है ना? तो और देखिए एक चीज और, कुछ लोग इसे फीटस पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे फोइटस पढ़ते हैं, आपको जो ठीक लगे आप वो पढ़ सकते हैं, मैं दोनों कभी कभी भी पढ़ लेती हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज पर बढ़ते हैं। और प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजन इन दी बॉडी इज, हमारी खुद की बॉडी में जब एंटीबॉडीज बन रहे हैं अगेंस्ट एंटीजन, दैट इज अ काइंड ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि हमारी खुद की इम्यूनिटी है, है ना? तो प्राइमरी भी कह सकते हैं हम कि हमारी बॉडी पर एंटीजन का अटैक हुआ और हमारी बॉडी उसमें उसके अगेंस्ट इन्वॉल्व हो गई एक्टिवली और खुद की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, ओके, बैरियर्स को हमें मैच करना है, ओके, राइट? सो फिजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर। फिजिकल बैरियर, इनमें से फिजिकल बैरियर क्या होगा? किसी भी पैथोजन की एंट्री हमारी बॉडी में फिजिकली कौन रोकता है? दैट इज फिजिकल फीचर क्या है इन सब में से? दैट इज स्किन, है ना? देखिए ये दो ऑप्शन तो अपने आप कट हो गए, वन और टू में से हमें अपना सही ऑप्शन मिलेगा। फिर है सेलुलर बैरियर, सेल्स जहां पर
इन्वॉल्व हो, तो इसमें से पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ये क्या है, सेल्स हैं, दैट इज अ फिजिकल सॉरी सेलुलर बैरियर. देन फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आएगा यहाँ पर, सलाइवा, रिलीजिंग ऑफ सलाइवा, एंड साइटोकाइन बैरियर, दैट इज अ इंटरफेरॉन, दैट आर बेसिकली केमिकल्स, राइट. तो सही ऑप्शन क्या मिल गया हमें, ऑप्शन नंबर. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज अ पिक्टोरियल क्वेश्चन. ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. राइट, सो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, इनमें से फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कौन बनाता है. तो हमने पढ़ा है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर हमेशा कौन होते हैं, प्रोड्यूसर्स, और इनमें से प्रोड्यूसर्स कौन है, प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स आर द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल. राइट, देन फिर प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं. नाउ स्पैरो कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी. तो इसी डायग्राम की अगर हम बात करें तो जो स्पैरोज होते हैं ये देखें यहाँ पर, ये किस कैटेगरी में आ रहा है, स्पैरो की बात हो रही है. तो देखिए सबसे पहले तो प्राइमरी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर प्रोड्यूसर होते हैं, फिर ये जो है ये प्राइमरी कंज्यूमर है, जो सेकेंड लेवल पर आते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं. तो यहाँ पर स्पैरो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर. क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं. ओके, ईच ट्रॉपिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप. क्या कहते हैं उसे, स्टैंडिंग क्रॉप. किसी एक पर्टिकुलर लेवल, ट्रॉपिक लेवल पर जो मास होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कंज्यूमर. इनमें से प्राइमरी कंज्यूमर कौन नहीं है. तो देखिए ग्रास ऑफर क्या खाता है, प्रोड्यूसर्स को, कैटरपिलर भी प्रोड्यूसर्स को खाती है ना, प्लांट्स को खाती है. जू प्लैंकटन्स कौन होते हैं, वो प्राइमरी कंज्यूमर जो एक्वेटिक सिस्टम में प्लांट्स को खाते हैं, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं ना, उनको जो खाते हैं वो कौन है, जू प्लैंकटन्स. तो कौन सा हुआ, स्नैक. स्नैक क्या है, ये प्राइमरी कंज्यूमर नहीं है, ये तो आई थिंक सेकेंडरी पर ही आएगा, मोस्ट ऑफ द सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल पर आ सकते हैं, पर प्राइमरी तो ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये घास पत्ते तो खाता नहीं. राइट, तो यहाँ पर देखें आप सही आंसर क्या होगा, स्नैक. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ डिट्राइटिस फूड चेन. इसमें से डिट्राइटिस फूड चेन का पार्ट कौन है, ये आपसे पूछा गया है. अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या डिकोड करना पड़ेगा कि ये डिट्राइटिस फूड चेन होती क्या है. डिट्राइटिस फूड चेन वो होती है जो डेड ऑर्गेनिज्म से या डेड मटेरियल से स्टार्ट होती है. अब डेड मटेरियल से अगर स्टार्ट होती है तो क्या बर्ड्स, क्या स्नैक या मैन उसे कंज्यूम कर रहे होंगे, राइट. तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, जस्ट सेकेंड लेट मी चूज द पेन. यस, तो सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, होगा क्या, अर्थ वॉर्म. अर्थ वॉर्म क्यों होगा, क्योंकि ये डिट्राइटस फूड चेन में एज अ प्राइमरी कंज्यूमर की तरह यूज होते हैं. तो द बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ दिस इज द अर्थ वॉर्म, राइट. सो आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे, एंड ऐसे ही और भी ज़्यादा CUET बायोलॉजी एंड जनरल टेस्ट पेपर की अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए. तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय.